क्या खबर लाए हो मोहन? कल एक जहाज पंजाब के क्रांतिकारी कैदियों को लेकर यहां से होता हुआ काले पानी जा रहा है। समंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे, मगर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। कल हमारा जहाज उन फिरंगियों के जहाज के सामने होगा। कौन? क्रांति? हाँ, क्रांति। क्या चाहते हो? जंग आजादी के उन बहादुर सिपाहियों की रिहाई जिन्हें तुम कैद करके काला पानी ले जाना चाहते हो। कांठे, हम तुमको भी काला पानी ले जाएंगा। तूफानों का मुंह तोड़ने वाले क्रांति को कैद करके बस में करना तुम जैसे बुजदिलों का काम नहीं। क्रांति की मांग आजादी है, आजाद कर दो हमारे देशवासियों को। सुना? ओके, तुमको तुम्हारा आदमी मिलेगा। कैदी लोग छोड़ो। और बच्चों के साथ इसको भी कश्ती में बिठा कर रिहा कर दो। सरदार, इसे क्यों? इसकी छाती पर क्रांति की मोहर लगेगी जिसे ये जाकर सारी दुनिया को दिखाएगा। सर, दिस इज व्हाट क्रांति हैज डन टू आवर मैन। उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। सेनापति शक्ति जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। नो 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 नो, क्रांति तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का आम लोग उससे नफरत ना करने लगे। डिवाइड एंड रूल। आई मीन, अगर नहीं समझे तो? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर थॉमस कि शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। हमने तुम्हें कली से फूल बनाया, तुम्हें हमारा एहसान मंद होना चाहिए। पुजारी मर गए, वो भी क्रांति के छुरे से। सब बर्बादी की हमने और लोग नाम लेंगे क्रांति का, क्रांति का। क्रांति खुद भी हैरान होगा, कैसे भी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सरदार, ऐसा हुआ है। हम जिसे आज तक दूसरा क्रांति समझते रहे हैं वो एक मामूली लुटेरा निकला। लुटेरा नहीं, नहीं। हाँ हाँ,
उसने गरीब किसानों के घर लूटे, उनके खेत जला डाले। उस वहशी दरिंदे ने मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है। मेरे हौसलों के ईमान का चेहरा इतना भयानक निकला, इतना दुष्ट निकला, ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म ने, मेरे जिस्म ने मेरी आत्मा से विश्वासघात किया। कौन हो तुम? मुसाफिर हैं? मुसाफिर? अरे भाई, सराया है, तबिला तो नहीं है? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भाई, निकलो। अब बताओ क्या चाहिए? रहने के लिए जगह और इस सामान का खरीदार। काम समझ में आया अल्लाह रखा? बाबा भाई जान, क्रांति और अल्लाह रखा की सराय में वो काले कपड़े और काली दाढ़ी वाला आदमी क्रांति है, इसका सबूत क्या है? हुजूर, क्रांति की मोहर। कल के क्रांति को आज के क्रांति का सामना करना होगा। अरे भाई, वो खुद सौदा करना चाहता है मगर अकेले में। तो उसे कह दो कि कल पुराने मंदिर के पिछवाड़े में आ जाए। मेरा पहला बार प्रणाम है उस क्रांति को, उस क्रांति को जो मर चुका है। और मेरा पहला बार आशीर्वाद है उस क्रांति को जो अब मर चुका है। मर चुका है वो क्रांति जो कभी तूफानों को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा करता था। मर चुका है वो। ठीक कहते हो, मर चुका है वो क्रांति जिसकी जिंदगी के लिए समंदर की लहरों में दुआएं भर भर के भेजा करता था मैं। मानता हमें कि अगर हम मिट भी गए तो कोई तो है जो क्रांति का झंडा लेकर आगे बढ़ता रहेगा। मगर धिक्कार जिसने हमारी उम्मीदों को जिंदा किया वो बदबख्त खुद ही मर गया है वो जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था। मर चुका है वो जो कभी धरती माँ की रक्षा किया करता था। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती माँ का नाम भी लाए। अगर तुम्हारे लिए धरती आज भी पावन है, पवित्र है, तो फिर धरती पर जुल्म किस लिए? हर जुल्म की सजा मिलेगी। मिलेगी? तुमने बेगुनाह किसानों पर जुल्म तोड़े हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। झूठ! तुमने मासूम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। खामोश! Thank you.
ملاقات کا ہمیں ایک عرصے سے انتظار تھا۔ لے جاؤ انہیں۔ یہ کرانتی ہے یا نہیں، مگر ہمارے لیے یہ کرانتی سے بھی بڑا مجرم ہے، ہمارا پرانا مجرم سانگا۔ سانگا مہاراج، یہ وہی سانگا ہے جس نے آپ کے بھائی صاحب مہاراج لکشمن سنگھ جی کا قتل کیا۔ یہ وہی سانگا ہے جس نے ہمارا ہاتھ کاٹا۔ موقع نہیں ملا، ورنہ گردن کاٹ دیتا۔ گردن اور ہماری؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھا دیکھا شمبو کے بائیں ہاتھ کا کمال، اب تو یہ لوہے کا ہے۔ تمہارا کرانتی سے کیا تعلق ہے؟ وہی جو ایک سپاہی کا انقلاب سے ہوتا ہے۔ تو تم غدار ہو؟ ہاں۔ بولتا ہے اور یہ سفید لوگ کالے کارنامے کرتے ہیں۔ مرد تو مرد، انگریز عورتوں نے ہماری بہو بیٹیوں کی مردہ لاشوں پر زیور تو کیا منگل سوتر تک نہیں چھوڑے۔ ہماری کم سن بچیوں کے کانوں سے ان لوگوں نے بالیاں نوچی ہیں۔ جن ہاتھوں سے چوڑیاں نہیں نکال سکے ان کی کلائیاں کٹوا دی ہیں انہوں نے۔ سانگا، ان کی تو صرف کلائیاں کٹی تھیں، لیکن آج ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ ایک کرانتی مرے گا شمبھو تو ہزار کرانتی پیدا ہوں گے۔ تمہیں اور کچھ کہنا ہے؟ ان کے ہیسٹنگز سے ہمارے ملک کا انقلاب اس کے جرم کا گن گن کے بدلہ لے گا۔ ہیسٹنگز نہیں، لارڈ ہیسٹنگز کہو۔ لارڈ ہوگا وہ تمہارے لیے، انسانیت کی عدالت میں وہ ہمیشہ مکار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے شریفوں کی عزت اچھال رہا ہے۔ سپاہیو، اسے ابھی اسی وقت مار ڈالو۔ نہیں سر تھامس، نہیں، ایسے بھیانک مجرم کو اتنی آسانی سے نہیں بلکہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی غدار نہ بن سکے، کوئی کرانتی نہ بن سکے۔ لے جا اسے۔ سنو، اگر تم دونوں ایک ہو تو آپ اس میں لڑے کیوں؟ لڑائی کرانے والا خود لڑائی کی وجہ پوچھے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ صرف اتنا کہ یاد رکھیں کہ ظلم اور جھوٹ کی ڈالی پر ایک بار پھل لگتا ہے، دوبارہ نہیں۔
हमें एक की तलाश थी और दो मिल गए। एक ही ने नाक में दम कर रखा था, दो तो जान ले लेंगे। क्या कहा? जान। तुम हमें अपने साथियों का पता बता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये देखो इसकी चमक, तुम सिर्फ अपने साथियों का पता बता दो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बेचकर इंसान खरीदना चाहते हो? बोलो, सौदा मंजूर है? यूं लटके लटके थक जाओगे तो तुम दोनों में से एक झुक जाएगा। इस तरह जिसे नींद आएगी वो खुद तो मरेगा ही, साथ में दूसरे को भी ले मरेगा।